नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माई स्मार्ट सपोर्ट सोल्यूशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको Facebook की 10 ऐसे प्राइवेसी सेटिंग बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। अगर आप Facebook चलाते हैं तो आपको ये प्राइवेसी सेटिंग के बारे में जरूर जानना चाहिए, और साथ ही इन प्राइवेसी सेटिंग में कुछ चेंजेज कर देते हैं तो आपको Facebook चलाने में और भी मजा आएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फेसबुक प्राइवेसी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप फेसबुक ऐप्स को ओपन कीजिएगा। फेसबुक ऐप्स ओपन हो जाने के बाद आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तीन लाइन बना हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद सबसे नीचे में स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एक मेनू खुलता है सेटिंग्स का, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स। सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की तरफ आ जाना है, तो यहाँ पे अब आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा प्राइवेसी का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा प्राइवेसी सेटिंग्स। तो प्राइवेसी सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं प्राइवेसी से संबंधित, तो यहाँ पे एक एक करके हम सारे ऑप्शन को समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पहले नंबर की सेटिंग्स के, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, मतलब कि आप अपने फेसबुक पे फ्यूचर में जो कुछ भी पोस्ट करेंगे फोटो वीडियो तो किन लोगों को दिखलाई देना चाहिए, वो सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा ट्राई इट नाउ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी फोटो वीडियो या मैसेज टाइप करके पोस्ट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि ये पोस्ट किन लोगों को दिखलाई दे तो यही सेटिंग आप यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक, पब्लिक पे क्लिक कर देने के बाद आपकी पोस्ट सभी लोग देखेंगे, मतलब कि जो जो व्यक्ति फेसबुक पे है वो आपकी पोस्ट को देखेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स का, तो यहाँ पे क्लिक कर देने से सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही देखेंगे और कोई नहीं देख सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रेंड एक्सेप्ट, यानी कि आप चाहते हैं कि कुछ गिने चुने दोस्तों को आपकी पोस्ट दिखलाई ना दे तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने दोस्तों को यहाँ चुन सकते हैं कि इन दोस्तों को आपका पोस्ट दिखलाई ना दे, तो यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद सी मोर पे क्लिक करते हैं तो फिर अगला ऑप्शन है स्पेसिफिक फ्रेंड, मतलब कि आप चाहते हैं कि आपके कुछ दोस्त ही आपके पोस्ट को देख सके, मतलब कि आप अपने गिने चुने दोस्त को ही दिखलाना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके आप इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है ओनली मी, तो यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपकी पोस्ट कोई नहीं देख सकता है फेसबुक पे, केवल आप ही देख सकते हैं। अब दूसरे नंबर की सेटिंग्स में आते हैं, तो यहाँ पे है लिमिट हु कैन सी पास्ट पोस्ट, यानी कि आप चाहते हैं कि फेसबुक पे जितने भी पुराने पोस्ट किए हों फोटो या वीडियो वो केवल आपके दोस्त ही देख सके, तो आप इसे बड़े आसानी से एक क्लिक में ही यहाँ से कर सकते हैं। तो यदि आप चाह रहे हैं कि आपके फेसबुक पे पोस्ट किए गए सारे वीडियो और फोटो आपके दोस्त ही देखे और कोई नहीं देखे, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद आपको क्लिक करना होगा लिमिट पास्ट पोस्ट, फिर से आपको क्लिक कर देना होगा लिमिट पास्ट पोस्ट पे। अब यहाँ से आपकी ये सेटिंग सेट हो जाती है, अब आप फेसबुक पर जितने भी आप फोटो या वीडियो या कोई भी पोस्ट किए होंगे वो केवल आपके फ्रेंड ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी सेटिंग्स की, हु कैन सी द पीपल पेज एंड लिस्ट यू फॉलो, यानी कि आप फेसबुक पे कौन कौन से पेजेस को फॉलो किए हैं, कौन कौन लोगों को लाइक किए हैं, ये सभी लोगों को दिखलाई दे पब्लिकली, या फिर चाहते हैं कि कोई नहीं देखे, या फिर चाहते हैं कि आपके कुछ गिने चुने हुए फ्रेंड ही देखें, तो ये सेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। तो यदि आप चाहते हैं कि सभी लोगों को दिखलाई दे कि आप किन किन पेजेस को फॉलो किए हैं और किन किन पोस्ट को लाइक किए हैं, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा पब्लिक पे। और यदि आप चाहते हैं कि आपके केवल फ्रेंड्स ही देखें कि आप किन किन पेजों को फॉलो किए हैं और किन किन पोस्ट पे कमेंट किए हैं, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स पे। और यदि आप चाहते हैं कि आपके केवल कुछ गिने चुने फ्रेंड हैं और उन लोगों को नहीं दिखलाई दे कि हम किस पेज को लाइक किए हैं और किन लोगों के पोस्ट पे कमेंट किए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने दोस्तों को चुन सकते हैं कि आप किन दोस्तों को नहीं दिखलाना चाहते हैं। और यहाँ पे सी मोर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है स्पेसिफिक फ्रेंड, और यदि आप चाहते हैं कि आपके केवल कुछ दोस्त ही देख पाए कि आप किन पेज को फॉलो करते हैं और किन किन पोस्ट पे कमेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने दोस्तों को सेट कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहते हैं कि किसी को भी ना दिखलाई दे कि आप कौन कौन पेज को फॉलो किए हैं और किस किस पोस्ट पे कमेंट किए हैं, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ओनली मी पे।
तो दोस्तों ओनली मी पे क्लिक कर देने के बाद अब किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आप किस किस पेज को फॉलो किए हैं और किस किस पोस्ट को लाइक किए हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं चौथी सेटिंग्स की, हु कैन सी योर स्टोरीज। तो दोस्तों आप फेसबुक पे कोई भी स्टोरी लगाते हैं और आप चाहते हैं कि केवल आपके फ्रेंड्स को दिखलाई दे या फिर सभी लोगों को दिखलाई दे या फिर गिने चुने हुए लोगों को न दिखलाई दे, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे सेट करने के लिए क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्टोरी सभी लोगों को दिखलाई देगी, जो भी लोग फेसबुक पे होंगे उन सभी लोगों की आपकी स्टोरी दिखलाई देगी। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स का, तो यहाँ पे क्लिक कर देने से होगा ये कि आपकी सिर्फ फेसबुक का फ्रेंड ही आपकी स्टोरी को देख पाएगा और कोई भी व्यक्ति आपकी स्टोरी को नहीं देख पाएगा। अगर आप यहाँ पे कस्टमाइज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी कुछ गिने चुने हुए लोगों को ही दिखलाई दे, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अपने दोस्तों के यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि इन इन दोस्तों को ही केवल फेसबुक की स्टोरी दिखलाई देनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति को आपकी स्टोरी नहीं दिखलाई देगी, चाहे आपकी फ्रेंड लिस्ट में ही क्यों ना हो। अगला ऑप्शन है हाइड स्टोरी फ्रॉम, मतलब कि आप चाहते हैं कि केवल कुछ गिने चुने हुए लोगों को स्टोरी न दिखे, आप अपने फैमिली मेंबर या किसी अन्य व्यक्ति को आप अपने स्टोरी को नहीं दिखलाना चाहते, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने स्टोरी जिन लोगों को नहीं दिखलाना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप सेट कर लीजिएगा, इन सभी लोगों को आपकी फेसबुक स्टोरी नहीं दिखलाई देगी। दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन मिल जाता है हु कैन सी योर हाइलाइट्स, यहाँ पे क्लिक करके आप उसे इसी तरह से सेट कर सकते हैं, ये भी फेसबुक स्टोरी से संबंधित ही है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं छठवें टिक की, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, मतलब कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपको कौन व्यक्ति फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एवरीवन और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। एवरीवन पे क्लिक कर देने से होगा ये कि आपको कोई भी व्यक्ति फेसबुक पे है वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे सेट कर सकते हैं कि केवल आपके दोस्तों का ही दोस्त आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है और कोई भी व्यक्ति आपको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता है। तो यदि आप फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट से परेशान है और आपको आलतू फालतू लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पे क्लिक करके। दोस्तों अब बात करें सातवें टिक की, तो यहाँ पे है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, मतलब कि आपके फ्रेंड लिस्ट को कौन कौन देख सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड लिस्ट को कोई नहीं देखे, या फिर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड लिस्ट को केवल आपके दोस्त ही देखे, या फिर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड लिस्ट को केवल गिने चुने हुए लोग ही देखे, तो यहाँ पे क्लिक करके उस सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली मी पे क्लिक कर देने से होता यह है कि आपके फेसबुक फ्रेंड को कोई नहीं देख सकता है, कोई भी व्यक्ति आपके फेसबुक फ्रेंड के बारे में नहीं पता कर सकता है कि आपके कौन कौन फेसबुक फ्रेंड है। उसके बाद अगला ऑप्शन है पब्लिक, पब्लिक पे क्लिक कर देने के बाद कोई भी व्यक्ति आपके फेसबुक फ्रेंड को देख सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स का, तो फ्रेंड्स पे क्लिक कर देने के बाद होगा ये कि केवल आपके फ्रेंड्स ही आपके फ्रेंड लिस्ट को देख सकते हैं और कोई भी व्यक्ति आपकी फ्रेंड लिस्ट को नहीं देख सकता है। उसी तरह से उसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रेंड एक्सेप्ट का, तो यदि आप चाहते हैं कि आपके केवल कुछ गिने चुने हुए लोग, मतलब कि आपके कुछ फ्रेंड आपके फ्रेंड लिस्ट को न देखे, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उन्हें सेट कर सकते हैं। इसे होगा ये कि आप जिन जिन लोगों को सिलेक्ट कीजिएगा वो लोग आपके फ्रेंड लिस्ट को नहीं देख सकता है, बाकी अन्य लोग आपके फ्रेंड लिस्ट को देख सकते हैं। उसके बाद सी मोर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन मिल जाता है स्पेसिफिक फ्रेंड का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं कि केवल आपके कुछ गिने चुने हुए फ्रेंड ही आपके फ्रेंड लिस्ट को देख सकता है और कोई भी व्यक्ति आपके फ्रेंड लिस्ट को नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप उन दोस्तों को सेट कर सकते हैं कि आपके कौन कौन दोस्त को अपने फ्रेंड लिस्ट को दिखाना चाह रहे हैं। इसे आप जिन जिन लोगों को सिलेक्ट कीजिएगा केवल उन्हीं लोग आपके फ्रेंड लिस्ट को देख सकें और बाकी कोई भी व्यक्ति आपके फ्रेंड लिस्ट को नहीं देख सकता है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं टिक नंबर 8 की, हु कैन लुक यू अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड, मतलब कि आप फेसबुक बनाते समय जिस ईमेल आईडी से अपने अकाउंट को क्रिएट किया था वो ईमेल आईडी आपके किसी दोस्त या फिर किसी भी व्यक्ति के पास है और वो फेसबुक में सर्च करेगा तो आपका प्रोफाइल दिखाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो यहाँ पे आप क्लिक करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाते हैं सेट करने के लिए, तो यहाँ पे एवरीवन पे क्लिक कर देने के बाद जिस भी व्यक्ति के पास आपका फेसबुक आईडी होगा और वो फेसबुक में डाल के सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल दिखलाई देगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पे क्लिक कर देने के बाद केवल आपके दोस्त और आपके दोस्त के ही दोस्त देख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स पे क्लिक कर देने के बाद केवल आपके दोस्त ही देख सकेंगे और कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है ओनली मी, तो यहाँ पे क्लिक कर देने से होगा ये कि कोई भी व्यक्ति आपकी ईमेल आईडी को फेसबुक में डाल के सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल नहीं दिखलाई देगी, केवल आप ही देख सकते हैं। तो दोस्तों 9वें नंबर की ट्रिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों 9वां नंबर है हु कैन लुक यू अप यूजिंग द फोन नंबर यू प्रोवाइडेड। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को मोबाइल नंबर से वेरीफाई कराए और वो मोबाइल नंबर किसी भी व्यक्ति के पास है, किसी भी बंदा के पास है, और वो व्यक्ति आपके मोबाइल नंबर को फेसबुक में सर्च करेगा तो आपका प्रोफाइल दिखलाई देना चाहिए या नहीं दिखलाई देना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एवरीवन पे क्लिक कर देने से होगा ये कि कोई भी व्यक्ति आपके नंबर को फेसबुक में सर्च करके आपके प्रोफाइल को देख सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं कि आपके केवल दोस्त के दोस्त ही देख सकते हैं और कोई भी व्यक्ति आपके फोन नंबर को फेसबुक में सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल नहीं दिखेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स का, तो आपके फ्रेंड्स ही केवल फेसबुक में आपके फोन नंबर को डाल के सर्च कर सकते हैं तो प्रोफाइल दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है ओनली मी का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास आपका मोबाइल नंबर हो और फेसबुक में सर्च करेगा तो आपका प्रोफाइल नहीं दिखेगा। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 10वें की, डू यू वांट सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक योर प्रोफाइल। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा आपके फेसबुक लिंक को किसी अन्य ब्राउजर में जैसे याहू, बिंग्स या फिर गूगल में सर्च करेगा तो आपके नाम दिखलाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा आपके नाम को गूगल में सर्च करता है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आपको प्रोफाइल दिखलाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे फेसबुक के 10 इम्पोर्टेंट प्राइवेसी सेटिंग, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी और आपके काम की होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।